हेलो फ्रेंड्स, ये तो बस शुरुआत है। हाँ तो फ्रेंड्स, इंडिया में कई सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है जिसमें से एक है इंग्लिश। इंग्लिश जो कि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज होती है जिसका यूज इंडिया में नहीं हर जगह किया जाता है। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है तो आपको अपने आप में एम्बैरेसिंग फील होगी। मान लीजिए आप एक इंटरव्यू देने जाते हो और इंटरव्यू आपसे इंग्लिश में लिया जाता है, और अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती तो आपको एम्बैरेसिंग फील तो होगी, साथ में आप इंटरव्यू भी क्रैक नहीं कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रेजेंट में नहीं, फ्यूचर में भी इसकी बहुत ज्यादा डिमांड होने वाली है। अब कई सारे लोग इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए हजारों पैसे खर्च कर देते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, बड़ी बड़ी इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करते हैं, इसके बावजूद भी उनकी इंग्लिश प्रॉपर नहीं हो पाती है। जबकि फॉरेन में जन्मा हुआ एक 8 साल का बच्चा उनसे अच्छी इंग्लिश बोल लेता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा कैसे, इसके पीछे रीजन क्या है? तो देखिए, मेन चीज होती है एनवायरनमेंट, यानी कि माहौल। तो एनवायरनमेंट एक ऐसी चीज होती है जो कि आपको इंग्लिश बोलने पर मजबूर कर देता है। अगर आप घर पर भी अपना एनवायरनमेंट ऐसा बना लो कि आप इंग्लिश बोलने पर मजबूर हो जाओ, तो मैं आपको लिख के देने वाला हूँ कि आपकी इंग्लिश एक महीने में काफी प्रॉपर होने वाली है। अगर फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब हम इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं या इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो हमको उस टाइम पर तो अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, बट जब हम घर पे आते हैं तो हमको वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता, जिसके कारण हमारी इंग्लिश प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा कि घर पर भी आप अपना एनवायरनमेंट कैसे बनाए कि आप इंग्लिश बोलने पर मजबूर हो जाओगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऑनलाइन गेमिंग करते हो, मतलब आप पबजी या फ्री फायर गेम खेलते हो, तो आप अपनी स्पोकन काफी ज्यादा बिल्ड कर सकते हो। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं भी पबजी गेम खेलता हूँ, और आप यकीन मानिए पबजी गेम के जरिए मैंने अपने स्पोकन को काफी ज्यादा बिल्ड कर लिया है। तो फ्रेंड्स, होता क्या था कि जब भी मैं पबजी गेम खेलता था तो मैं अपने टीममेट्स को बोलता था कि हम जो भी बातें करेंगे वो हम सब इंग्लिश में करेंगे, तो मैंने सबको इंग्लिश बोलने पर मजबूर कर दिया। और आप यकीन मानिए कि कुछ ही दिनों में हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी हो गई कि हमको पता ही नहीं चला कि हम कब इतनी अच्छी इंग्लिश बोलने लग गए। तो फ्रेंड्स, जब भी आप पबजी गेम खेलते हो तो उसमें क्या होता है कि कई सारे इंडिया के लोग भी खेलते हैं और कई सारे ऐसे लोग भी खेलते हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, तो आपको उनके साथ मैच प्ले करना है। और आप यकीन मानिए, अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी स्पोकन बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाएगी। हाँ तो फ्रेंड्स, देखिए मेन चीज है आपका एनवायरनमेंट। तो आपको आपका एनवायरनमेंट ऐसा बनाना है कि आपको इंग्लिश बोलना ही पड़े, तो यकीन मानिए आपकी स्पोकन कुछ ही दिनों में काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, होगा क्या कि फर्स्ट टाइम जब आप पबजी गेम खेलोगे तो आप उससे इंग्लिश में बातें करोगे, आप गलती भी करोगे, आपको डरना नहीं क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा या कौन क्या सोचेगा, भाई क्या आपको देखने आने वाला है घर पर कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आपको सिर्फ बोलना ही तो है। तो फ्रेंड्स, आप जरूर बोलिए और आप इस चीज को जरूर अपनी लाइफ में अपनाइए। फ्रेंड्स, यकीन मानिए आपकी स्पोकन काफी ज्यादा बिल्ड हो जाएगी। और एक और बात, कुछ लोग सोचते हैं कि पबजी गेम खेलना बेकार है, तो फ्रेंड्स मैं उनसे बोलना चाहूंगा कि पबजी गेम बेकार नहीं है, बेकार है आपकी सोच। क्योंकि फ्रेंड्स, पबजी गेम को लाखों लोग खेलते हैं और कई सारी चीजें पबजी गेम से सीखने को मिलती है और इस पर कई सारी वीडियो बनी हुई है, तो मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा बस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और फ्रेंड्स, अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड या योग से रिलेटेड या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई वीडियो चाहते हो तो कमेंट जरूर कीजिए, मैं अभी कमेंट रिप्लाई जरूर दूंगा। बस तो फ्रेंड्स, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।